26 तारीख को सुबह एक दिल्ली बीएस से बैठकुट से फोन आया था कि आपके भाई ये जो कांगो में थे वहाँ कोई उपद्रवियों से मुड़ बैठ हुई है, वो शहीद हो गए हैं। दिल्ली से ही कॉल आया था। और क्या जानकारी मिली, क्या हुआ था, कैसे उपद्रव हुआ था? नहीं, इतना ज़्यादा उसने कोई घटनाक्रम का कोई मुझे नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि उपद्रवों के साथ घटनाक्रम हुआ है, उनमें आपका भाई शहीद हो गया है, ये बात की। तो कब पोस्टिंग हुई थी कांगो, इससे पहले कहाँ का काम करते थे? पहले वैसे तो उन्होंने खूब जगह काम किया है, वैसे कश्मीर है, झारखंड है, असम है, मणिपुर है, इम्फाल है, बर्मा है, सब जगह उनकी ड्यूटी लगी। अभी अप्रैल में ही विदेश गए हैं। तो यहाँ यहाँ कब आए थे लास्ट टाइम, और जब गए थे उस वक्त क्या? 1 अप्रैल को यहाँ आए थे, 1 अप्रैल 9 अप्रैल तक लगभग यहीं थे, 9 या 10 तारीख को वापस गए थे। किस तरह के व्यक्तित्व थे, मिलनसार थे या? नहीं, मिलनसार और मेहनती थे। तो देश सेवा करना अपने में बड़ी बात होती है, देश के लिए जान न्यौछावर करना कितना बड़ा चीज हो गई आपके लिए? नहीं, वैसे तो भाई देश के लिए उसने अपना त्याग दिया है वह, पर आखिर मेरा भाई ये सत्य तो हुई है, मुझे दुख तो है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी से कोई बात हुआ कि कब तक लेके आएंगे या फिर कब पहुंचेंगे भारत? नहीं, अभी ताज़ा कोई अपडेट की हमें जानकारी नहीं है, कोई इस विदेश मंत्रालय से भी ऐसा कोई अपडेट ताज़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं। तो एजुकेशन वगैरह कहाँ हुआ, भर्ती वगैरह कब हुई थी? एजुकेशन गांव में हुआ है, गांव में भर्ती कब मेरे बी एस एफ में? भर्ती 98 में भर्ती आई थी और 1 जनवरी 1999 का प्रथम अपॉइंटमेंट हुआ उनका। हेड कांस्टेबल पोस्ट पे थे? हाँ, अभी हेड कांस्टेबल पद पे थे। जैसे कि हमारे गांव का फौजी, 2-3 फौजी है, उसमें से एक रिटायर्ड हो गए हैं, एक सेवा दे रहे हैं, एक ये शहीद हो गए हैं। तो हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे इस गांव का लाल देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक शहीद हुआ, तो हमें बहुत ही गर्व है। और पूरे गाँव वासियों को, पूरे ज़िले को, पूरे राजस्थान को भी गर्व, अपने 2 राजस्थान के लाल बाहर विश्व में जाके वहाँ कांगो अफ्रीका के अंदर जाके शहीद हुए हैं, तो बहुत गर्व की बात है। और दुख भी इस बात का कि हमारे गांव का एक लाल खोया, वो दुख भी प्रकट करते हैं। तो कैसे व्यक्तित्व के धनी थे, आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी, किस तरह की बात करते थे? हमारे लास्ट मुलाकात आज से 6 महीने पहले गांव आए थे तब हुई थी, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति का धनी थे, सरल स्वभाव के धनी थे, सबसे मिलनहार व्यक्तित्व थे। जैसे 2 दिन हो गए हैं उनके शहादत को, लेकिन बॉडी अभी तक वहाँ से रवाना नहीं हुई है, तो इस चीज़ को लेकर कोई मांग है आपका, क्या गुजारिश क्या करते हैं सरकार से? वो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं जल्द से जल्द डेथ बॉडी हमारे भारत में पहुँचाई जाए, और केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार के जो भी इनके अधिकारी हैं उनसे यही मांग है कि जल्द से जल्द डेथ बॉडी वापस हमारे भारत में लाया जाए और गाँव में लाया जाए। कहते हैं सब फौजी होना अपने अपने बड़ी बात होती है, शहादत होना उससे बड़ी बात होती है, पहले बार मेरे के व्यक्ति हैं जो विदेशी धरा पे शहीद हुए हैं, ये अपने आप में कितनी गर्व की बात है? बहुत ही गर्व की बात है, अपने बाड़मेर का लाल एक ही पूरे विश्व के लिए, बाहर के लिए हर कोई शहादत देता है लेकिन विश्व के लिए हुआ, ये बहुत ही बड़ी बात और गर्व की बात है। इस चीज़ की फख्र है आपको? बिल्कुल फख्र है, हम नहीं पूरे अपने राजस्थान को और पूरे भारतवर्ष को है।